और रउआ सबके हमार प्रणाम, हम हैं नलिनी पांडे। न्यूज 18 के खास भोजपुरी बुलेटिन में सब भोजपुरी और दर्शक के बहुत बहुत स्वागत बा। हम बताए देश दुनिया के खास खबर आपन बोली आपन भाषा भोजपुरी में। तो चलिए शुरुआत करें जा बुलेटिन इहे खबर बा से। यह खबर के भोजपुरी बुलेटिन में आज खास बात हुई यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से। पर्सनल लाइफ से पॉलिटिक्स तक संजय निषाद हर मुद्दा पर खुल के बोलन। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के हार पर जे खुलासा कैलन बड़ा सनसनीखेज बा। उनकर ये कहना बा कि निषाद पार्टी के जब से साथ भइल तब से बीजेपी जीतत बा, ना तो पहले हारत रहे। तो चले आ रउआ के दिखावत आनी संजय निषाद के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उहो भोजपुरी भाषा में। संजय जी बहुत बहुत स्वागत बा, कैसन बाड़ी आप? ठीक बाटी, कैसे बाटी आप रउआ? हम बढ़िया बाड़ी। संजय जी, रउआ के कमना नाम से पुकारल जाला नेताजी मंत्री जी और सिर्फ संजय निषाद? अभी तो सब अध्यक्ष जी का एक सब पुकारा ला, चाहे महिला हो, लड़का हो, बाले हो, बहन हो, बूढ़ हो, सब अध्यक्ष जी कह के पुकारा ना। और अध्यक्ष जी ज्यादा पुकार ना अध्यक्ष जी, निषाद जी कह के पुकारा ना सब। हाँ, मंत्री जी चूंकि अध्यक्ष जी कहले मोहन पास का बड़ा गर्व महसूस होला कि केहू आयल बा, हमन के इकट्ठा कैले बा, केहू आयल बा, सब इतिहास बतौले बा, हमन के खटिया पर बैठ जाला, हमारे दुआरी पर जौने बनल लाल हुआ खा लेला, ऐसे नेता हमें कहाँ मिली। जैसे उनके नाते जो है ना सब ऐसा बाटे हमारे नेता अध्यक्ष जी जो हमारा अध्यक्षता करे ना, हमारे बात उठावे ना, अगुआ मान के हमें अध्यक्ष जी का सब पुकारल। नॉर्मल इंसान बाड़ी घरे में का करे पसंद होला? सिनेमा देखे पसंद होला, लिट्टी चोखा खाए के पसंद होला? का आपके पसंदीदा काम है? जब आप कुछ ना करे ली, राजनीतिक दौरा पे ना रहे ली, तब इहे करब हम आराम के साथ। जवन टाइम बचा ला नहीं सब आवल देख दो उनके फोन फान कह के समय देखे, फिर आराम से जो है अखबार पढ़ल, देश दुनिया का हाल चाल जानल, फिर जो है अक्सर सिनेमा देखल, राजनीतिक हो, सामाजिक सिनेमा। तो कब खाना पकावे के मन नहीं करे ला, कब शौक रहे लगा? नहीं, खाना जो पुरान खाना रहल पहले के जमाना के वह खाए मन करा ला। अच्छा। और ऐसा शादी भइल बा, ऐसा गाँव के मेहरारू बा हमारे शादी गाँव में भइल बा, तो मेरा भी हमारे गाँव में है, तो जैसे खाना चाहिए वैसे। कौन कौन खाना होला? का दाल रोटी होला कि माने मठा होला, रोटी से कल चूल्हा पे कैसन खाला होला साधारण? पहले तो हमन के रहल जाता जब पढ़ता तो हमारा छोटा बियाह हो गया लाल। कौन है उम्र में? कम से पांच, अच्छा पांच मुराली तब मैं बियाह हो गया। अच्छा पांच में? हाँ, जब हाई स्कूल में आए तो जान को समय। अच्छा, दो तरह बियाह होता ले। अच्छा। बियाह हो चले आता है दूसरे दाएं, तब जो है मेहरारू लाए कर तुम जाए कर था गौना देख के खा लेता। उसके बाद फिर आए तो पाँच साल बाद होता था, बहुत साल पहले। तो आइले के बाद फिर हम लोग जब घर में बैठा जाता हल का, तो गाँव में जो पढ़ाई के बाद फिर बैठ के जो है पढ़त भी रही और परिवार भी संगरी रहा। कि जो मेहरारू के खिलेली है बना के अपने हाथों से प्यार से। अब अक्सर जब कभी तबीयत खराब हो जाला तब अवसर मिला ना, तो मेहरारू कहाँ बनावे देनी, कहने नहीं भाई हमारा यही तो हमन के पूर्वांचल में यह फायदा भारत में कि कम से कम जो पत्नी होली कबो नहीं चाहे कि मर्द अपने खेवे या सेवा कर, हर क्षेत्र में वो आगे रह। तो इसलिए जो है यही तो सभ्यता हमन के बढ़िया बा कि कम से कम महिला जो है आगे बढ़ के हर क्षेत्र में हम काम करें, खाना भी बनाए हैं, सेवा सेवा टिकिया फुलकी खिलाई लेकिन तू इतना करे ताड़ू हमने खाते हम फुलकी टिकिया खिया दे, तनी तुम्हें सिनेमा दिखा दे। ऐसा मौका मिले नहीं करा ला राजनीति के समय, बाकी ऐसा मौका नहीं मिला ला। अब लड़के हो गए बाट, अक्सर पतो हो गए बाट, उन्होंने ले जा घुमा खिया। तो
नहीं मलकिन हमार बाटे उनके ले जानी सब घुमावे अपन उनके खिया जौन जरूरत पड़ा कभी कभी मौका मिल जाला तब सगे जा जाला मैं पहले तो हमारा आदत रहा पहले जब डॉक्टर वाली तब रोगी देखने के बाद आराम से रोज एक सिनेमा देखा था सामाजिक सिनेमा और राजनीतिक सिनेमा क्योंकि राजनीति से देश चला ला राजनीति से भविष्य बना ला राजनीति से ही सब कानून से देश चला ला जैसे तो तमाम जो है क्रांतिवीर वगैरह जो है नमकी अक्सर फोटो खींच के डाल देना कुछ ना कि देखा मंत्री जी ठेला के सामने टिकिया खाता था मीठा और जब खाई ला तो खूब खाई ला अच्छा। सबसे ज्यादा जब दौरा पे बिजी रहे नहीं केकरा के मिस करे नहीं रात में अब ये सेवा करा ला मेरा रुक ज्यादा याद आता है तो मौका मिलता है तो फोन करी ला वो रिसिया जान इनकी फोन नहीं करा था अब चार बार फोन करी लेन तो एक बार क्योंकि ऐसा बिजी लाइफ बा राजनीति का कि हमें जो है जैसे जनता का वादा कैल वो के पूरा कैल जरूरी बात तो उसमें उनका भी सहयोग रहेगा महिला राजभर जी से आपके अच्छा दोस्ती बा कहा जाला कि करीब करीब रोज है रउआ से बातचीत होला राजभर जी का कैसन बा का कैसन दोस्ती बा आप दोनों के बीच में रोज नहीं बात होला लेकिन जब तक बात होला तो दोनों जने के समाज का दशा वैसा बा अच्छा। दोनों जने के अंग्रेज उजाड़े रहना है दोनों जो कैसे खेती वाले अब आजकल अब चूंकि मंत्रालय तन ढेर मिल गए भैया के तो हम व्यस्त बात है गाँव अच्छा बा कम से कम भाई हैं व्यस्त रहे हैं उनके तो आजकल व्यस्त बात है तनी और कार्यकर्ता कुछ आपके नहीं लगे राजभर जी बहुत ज्यादा बोले कबो कबो धमकावे लगे वो कह रहे हैं कि अधिकारियों से कि पीला गमछा पहन के जा के कुछ नहीं बोली ऐसा बात है तने अपने कार्यकर्तन के मनोबल बढ़ावे करते सही बतावे पड़ेगा और कुछ अधिकारियों बदमाश बात है उन नेता के पहचाने ने या नेता मंत्री मन इनके पहचाने ने तो हम एक दिन काले लेक टोपी झंडा लेके जाबा तो लगा जय निषाद राज के लगेबा तो तुम एस पी डी एम सलाम करी है तो सम्मान मतलब सम्मान करी है तो सम्मान करे तो ऐसा देखा गया नहीं अहम नहीं आता है हम के मतलब में जैसे होता है कि सम्मान सबके चाहे कार्यकर्तन के तो उनके उस ड्रेस में रहे ना तो नहीं बताएं कि उपचुनाव आवे वाला बा बीजेपी से सीट शेयरिंग के लेके का फॉर्मूला बनल बा आपके बीजेपी से सीट के बादिम बाद जीत के फार्मूला बनल बा तो हम यह कहते युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटा डॉक्टर संजय के और हमार सेना बा गले लगौले हैं मोदी योगी तो हम जिताबे करते आयल बाटी आ जब से आयल बाटी तब से बीजेपी जीतत रहा हम अलग थे तो हमेशा बीजेपी हारती ही थी इनके आरक्षण का मामला अगर हल हो तब तो विचार करेगा वादा कर दे कि दीपावली बाद बैठल जाए और जाके बता दे निषादन से हो जाए तो बाकी हमने बतौली पिछले दाएँ सीट नहीं दिला तो हार गया 43 सीट निषाद लोग कहना कि हमारे पार्टी के बेइज्जती होता मन के सीट नहीं मिलता सिंबल नहीं मिलता तो जो कार्यकर्ता सम्मान के लड़ाई लड़े आए हैं तनि उदासीन हो बैठ गए ना तनि दुखी हो गए ना दुखी मन से जब रहा तो मन कैसे जीती है तो खुशी मन से रहा तो जीता तो निषादन के आरक्षण हो जाए आप अपने तरफ से बयान दे दें बैठक दीपावली बाद रखने हैं और जो कार्यकर्ता उनके समय उनके अपन जैसे सबके अपने सम्मान देते वैसे निषाद पार्टी और हमारे सहयोगी दलन के भी कार्यकर्तन के सम्मान देखे गठबंधन का कुछ कमाल दिखा पाए का उपचुनाव में बहुत ज्यादा ही बोले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बटरल जोगी मठ उजाड़ जैसे बात है सब अच्छा अब बटरल जोगी मठ उजाड़ बात है जब जब कहना था सटला तक गैला कांग्रेस में एकदम 2017 में सपा 100 सीट देले रहा कांग्रेस के और देखो तब हाथी अब जो है पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा जो है हमार माफ हो गई जीत गई तो ऐसे फिर आए हैं योगी जी कैसे काम करत बाड़े गोरखपुर योगी जी बहुत अच्छा जौन बोलन करे बोलने कि हम जितना अपराधी बाटे भगा देवे भगा देना
कनम तो सबके संगरी खड़ा रहा सके खड़ा बात है ये जब दूसर सबसे बड़न चीज होला कि सम्मान होला सुरक्षा होला समृद्धि होला संस्कृति होला ये कुल काम बा संस्कृति हमार कम से कम पहले जब पहले सरकार रहा तो तलवारी से तलवार लेके त्यौहार मनाता सब हैं तब एक बार ऐसे रहा था तो तलवार देख के सिपाही लोग ऐसे ना अब कम से कम हमारे सरकार बात अब व्यवहार से त्यौहार बनत बा संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तो ये रहलन संजय निषाद जो की हर मुद्दा पर खुल के बोलन अब बात हुई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत हीरो आ हीरोइन के हम बताई ये हफ्ता भोजपुरी के टॉप हीरो हीरोइन के है कौन हीरो हीरोइन के फिल्म आ एल्बम लोगन के दिलन दिमाग पे छा रहल बा कवन स्टार सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बा आ कवन नयका भोजपुरी फिल्म जल्दी आवे वाला बा तो देखी रउआ जानत बानी कि ई हफ्ता के भोजपुरी के नंबर वन स्टार के है आई बतावतानी सबसे पहले टॉप 10 हीरोइन के बात हुई बेली डांसिंग क्वीन आ भोजपुरी के हॉट हीरोइन नम्रता मल्ला अपन हॉट लुक से सबकर दिल में आग लगा दिली सोशल मीडिया पर नम्रता के चाहे वाला के बढ़कर लिस्ट बा भोजपुरी के टॉप हीरोइन के सूची में पिछला हफ्ता 4 नंबर पर रहे वाली नम्रता मल्ला ई हफ्ता नंबर 5 पर बाड़े नंबर 4 आकांक्षा पुरे फिल्म इंडस्ट्री के बोल्ड हीरोइन में से एक दिया हाल ही में खेसारी लाल साथ ही आयल गीत चुम्मा चुम्मा में आकांक्षा पुरी लोगों के खूब पसंद आयल रहे फिल्म राजा राम में खेसारी साथ ही आकांक्षा पुरी के जुगलबंदी बा ई हफ्ता आकांक्षा पुरी हीरोइन के लिस्ट में 4 नंबर पर जमल बिया नंबर 3 काजल राघवानी भोजपुरी सिनेमा के बेहद खूबसूरत हीरोइन में से एक बिया काजल राघवानी के खेसारी लाल के जोड़ी भोजपुरी दर्शकन के खूब पसंद आवेला हालांकि ये वक्त काजल इंडस्ट्री से दूरी बना लेले बाड़ी लेकिन खेसारी लाल साथी संबंध पर सनसनीखेज खुलासा के बाद काजल राघवानी की चर्चा जोर बा ए खातिर ये हफ्ता काजल राघवानी ट्रेंडिंग हीरोइन में 3 नंबर पर बाड़े नंबर 2 आम्रपाली दुबे के गीत रिलीज होकते काफी फेमस हो जाला उनका गाना के लाखों व्यूज मिल जाला ये वक्त आम्रपाली दुबे के सिनेमा के शूटिंग में व्यस्त रहेले आम्रपाली के मातृदेवो भव फिल्म के ये वक्त शूटिंग चल रहल बा आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन के लिस्ट में ई हफ्ता नंबर 2 पर आवेले नंबर 1 अक्षरा सिंह अक्षरा सिंह के भोजपुरी के नगीना कहल जाला वो अपना गीत से आग लगा देले अक्षरा सिंह के गाना फैंस के बहुत ही पसंद आवेला फिल्म आ एल्बम के अलावा अक्षरा स्टेज शो में भी आपन अदा से आग लगा दे विले हालांकि अभी फिल्मन से दूरी बिया लेकिन पवन सिंह के साथ ही कंट्रोवर्सी के कारण अक्षरा सिंह ई हफ्ता के ट्रेंडिंग हीरोइन के लिस्ट में नंबर 1 पर पड़े अब बात हुई भोजपुरी के टॉप हीरो के तो नंबर 5 पर प्रदीप पांडे और चिंटू के भोजपुरी इंडस्ट्री में आपन खाक बा बॉलीवुड फिल्म 3-2 के तर्ज पर चिंटू के दुल्हनिया सिनेमा के ट्रेलर सोशल मीडिया पर धमाल मचावले बा ए फिल्म के हाल ही में रिलीज भइल गाना लोगन के काफी पसंद आवेला चिंटू पांडे भोजपुरी सुपरस्टार की लिस्ट में 5 नंबर पर बढ़े नंबर 4 पंजाबी पॉप रैप आ साउथ स्टाइल में भोजपुरी तड़का नील कमल के खासियत बा गायकी के साथ ही नील कमल के एल्बम में एक्टिंग और डांस मूव्स दर्शकन के काफी पसंद आवेला ये हफ्ता आए नील कमल के गाना ओढ़नी सर 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 के यूट्यूब पर 5 दिन में 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिलल ये हफ्ता नील कमल हीरो के लिस्ट में नंबर 4 पर पड़े नंबर 3 ये वखा दिनेश लाल यानी निरहुआ के फिल्म की शूटिंग चल रहल बा भोजपुरी फिल्म बलमा बड़ा नादान के शूटिंग में निरहुआ बिजी बाड़े एह फिल्म में रोमांस कॉमेडी और ड्रामा के बेहतरीन तड़का बा ये हफ्ता निरहुआ भोजपुरी के टॉप स्टार भी नंबर 3 पर बाड़े भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के भोजपुरी फिल्म में लोहा मानल जाला भोजपुरी सिनेमा हो या फिर गाना एल्बम रिलीज होते ही धमाल मच जाला बबुआन हो या सड़िया हर गीत सुपर हिट होला ई हफ्ता पावर स्टार के आयल भोजपुरी गीत अपना राजा जी के दिलवा काहे तोड़े लुए जान के 3 दिन में यूट्यूब पर 60 लाख से ज्यादा व्यूज बा ई हफ्ता भी सुपर स्टार के लिस्ट में पवन सिंह 2 नंबर पड़वाड़े नंबर 1
भोजपुरी के दबंग मानल जाला खेसारी लाल यादव के नया भोजपुरी सिनेमा आवे वाला बा, जेकर नाम बा राजा राम। ट्रेलर में खेसारी कबो भगवान राम के रूप में देखल जाला तो कबो बेहद स्टाइलिश लुक में। मानल जाला की ये फिल्म रिलीज होते ही धूम मचाई। हालांकि हाल ही में काजल राघवानी के आरोप से खेसारी घिरल बाड़े, लेकिन खेसारी अपने फैंस के दम पर ई हफ्ता फिर से भोजपुरी के टॉप हीरो के लिस्ट में नंबर एक पर बाड़न। तरवा आज खातिर बस इतना ही, लेकिन हर हफ्ते शनिवार और रविवार से फिर मुलाकात हुई यही चैनल पर यही वक्त पर। रवा के कौन खबर बढ़िया लागल, कौन खबर देखे के आप चाहें, हमरे एक्स अकाउंट के जरूर फॉलो करें और वहां जाके जरूर बताएं। तब तक खातिर प्रणाम, कहले भोजपुरिया सबले बढ़िया।